आपने कभी सोचा है गाइस कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह में लोग कैसे रहते हैं, जहां पे यदि आपने अपनी गाड़ी 30 से 40 मिनट के लिए बंद कर दी तो आपकी वो गाड़ी उस विंटर सीजन में स्टार्ट नहीं हो पाएगी। आप लोग उसे स्टार्ट कर पाएंगे नेक्स्ट समर सीजन में, जहां पे सनराइज होता है केवल 3 से 4 घंटे के लिए। उन्हीं 3-4 घंटों में आपको अपने सारे काम निपटाने हैं। यदि आप लोग 20 से 25 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं तो आपकी भी हालत कुछ ऐसी हो सकती है। यदि कोई इंसान बिना प्रॉपर विंटर गियर के बाहर निकलता है तो उस इंसान की 20 से 25 मिनट में मौत भी हो सकती है। यहाँ पे लोगों को रेफ्रिजरेटर का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो -20 और यहाँ का टेम्परेचर होता है -50। तो चलिए गाइज, आज आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह में लोग कैसे रहते हैं। वीडियो को एंड तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। रशिया के एक शहर याकुत्सक से, याकुत्सक सिटी की बात करें तो ये दुनिया की कोल्डेस्ट सिटी है। कोल्डेस्ट बोला नहीं जा रहा। जब मैंने उलान बतार में वीडियो बनाया था कोल्डेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड का, जब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कोल्डेस्ट सिटी रशिया में है ना कि मंगोलिया की कैपिटल उलान बतार, तो उलान बतार दुनिया की कोल्डेस्ट कैपिटल है। मतलब कि सारी दुनिया की जो भी देश है उनकी जो भी कैपिटल है उनमें सबसे कोल्डेस्ट है उलान बतार, मंगोलिया की कैपिटल। कोल्डेस्ट सिटी की बात करें तो वो है याकुत्सक। यहाँ का जो लोवेस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर है वो है -60.4 डिग्री सेल्सियस। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं याकुत्सक सिटी को और देखेंगे कि यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है, लोगों का रहन सहन कैसा है याकुत्सक सिटी में। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को यहाँ की गाड़ियों की क्या हालत होती है विंटर में। अभी यहाँ पे एक्सट्रीम बहुत सीवियर विंटर है। यहाँ पे आओ, अब ये आप लोगों को जो गाड़ी दिख रही है ये स्टार्ट होगी केवल अगले समर में। समर यहाँ पे आएगा मई जून जुलाई अगस्त के लगभग, थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है। अब इस गाड़ी की हालत देखो आप लोग, यदि गाड़ी 30 मिनट से ज़्यादा के लिए बंद रहती है, स्टॉप कर देते हैं, फिर उसको स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है और वो स्टार्ट होगी अगले समर में। अब ये बंदा अपनी गाड़ी को बंद करके यहाँ पे छोड़ दिया है, मतलब ये बंदा पूरी विंटर यहाँ पे गाड़ी को यूज़ नहीं करने वाला। और आप गाड़ी का हालत देखो, ये कितना बर्फ जमा है, मेरा हाथ इतना चला जाएगा, इतना बर्फ जमा है पूरी गाड़ी पे, इतना बर्फ जमा है इस पूरी गाड़ी पे। और ये गाड़ी स्टार्ट होगी अब अगले समर में। मैं मेरा ग्लव्स क्यों खराब कर रहा हूँ, थोड़ी सी देर में मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। मान लो यदि मैंने 5 मिनट भी मेरा हैंड ग्लव्स से बाहर रखा तो। और जिसको भी यहाँ पे गाड़ी यूज करनी होती है विंटर में, वो अपनी गाड़ी हमेशा 24/7 ऑन रखते हैं, स्टार्ट रखते हैं। यदि गाड़ी बंद हो गई 30 मिनट के लिए भी तो स्टार्ट नहीं होगी। मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ दिखाऊंगा जो हमेशा ऑन रहती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लिए हीट वाले गैराज तैयार करके रखते हैं, मतलब कि वहाँ पे हीट होती है तो गाड़ियों को यदि बंद भी होती है ना गाड़ियाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गाड़ियों को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो उन्हीं लोगों के पास होते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत अच्छा खासा पैसा होता है। देखा क्या हालत हो रखी है इस गाड़ी की, इतनी बर्फ जमने के बाद कौन सी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है, कोई सी भी नहीं। तो चलो अब चलते हैं आगे। जगह ऐसी है यहाँ पे यदि आप लोग 20 मिनट के लिए अच्छे विंटर गियर में ना हो तो आपकी डेथ भी हो सकती है, और ऐसे बहुत सारे केसेज ये भी है। ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आप लोगों को स्टार्ट मिलेगी, ये कभी बंद नहीं करती है, पूरी रात से गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है, क्योंकि ये जो गाड़ी के ओनर है इनको ये गाड़ियाँ यहाँ पे विंटर में यूज करनी है। ये गाड़ी भी स्टार्ट हो रखी है। आप लोगों को गाड़ियों में कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखो गाड़ी में कोई नहीं है। इन गाड़ियों पे तो खैर चलो कवर लगाए गाड़ी में कौन होगा, लेकिन फिर भी ये गाड़ियाँ यहाँ पे इन लोगों ने स्टार्ट करके रखी है। ये देखो ये हाय मॉर्निंग ये देखो भाई साहब, पूरी रात इस पे कवर चढ़ा था और ये भाई साहब ऐसे घुस के इसमें जाएंगे। अभी यहाँ पे भाई साहब जो एस्केलेटर तेज कर रहे हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का भाई साहब। अब ये कवर हटाएंगे अपनी गाड़ी का, वो डिग्गी खोलेंगे पूरा गाड़ी को गर्म करके, और फिर खोलते हैं गाड़ी के अंदर खिड़की वगैरह डिग्गी वगैरह सब। यहाँ पे ऐसे केसेस बहुत सारे हुए हैं, किसी बंदे को बहुत लंबा सफर तय करना हो, गाड़ी खराब हो गई हो,
और गाड़ी ठीक ना हुई हो, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा गाड़ी बंद हो गई तो वो स्टार्ट नहीं होगी, तो फिर उनके पास बर्फ में जम के मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, यदि वहाँ से कोई आ जा नहीं रहा हो और ऐसी जगह बहुत दूर फंसते हो। आप लोग आइस में स्नो में ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली वॉक करके जो दूरी 10 मिनट में तय कर सकते हो स्नो में या आइस में, उसी दूरी को तय करने में आप लोगों को 50 से 60 मिनट लगेगा। तो गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ एक मैजिक या एक्सपेरिमेंट। यहाँ से मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ से हम लोगों ने पानी गर्म किया है, बिल्कुल जबरदस्त वाला हम लोगों ने इसको गर्म कर दिया, एकदम उबल रहा है। अब बाहर लेके चलता हूँ आप लोगों को और फिर दिखाता हूँ मैजिक। बाहर आप लोगों को पता है टेम्परेचर है -46 से -50 के बीच में, तो बाहर तो पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं थोड़ा पानी गिलास में, पानी बिल्कुल उबल रहा है ये आप लोग देखो। अब देखना इस पानी को मैं उछालूंगा आकाश में और फिर आप लोग देखना कि होता क्या है। ठंडी बहुत ज़बरदस्त है, एक बार और करते हैं। हॉट वाटर विद इन फ्यू सेकंड्स भाप में कन्वर्ट होके आइस में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा बर्फ बन गया पानी। यहाँ पे सर्दियों में कुछ ऐसे ट्रेवल करते हैं लोग। अभी यहाँ पे सुबह के 11 बज गए, 11 बजे की विजिबिलिटी कुछ ऐसी है, आप लोग देखो आपको मुश्किल से 150 मीटर दूर तक दिखेगा, उसके आगे कुछ नहीं दिखेगा। सारे दिन यही हालात रहता है, सुबह 11 बजे 10 बजे सनराइज होगा और शाम को 3 बजे 3:30-4 बजे से पहले पहले सनसेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे पूरे विंटर में हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। यहाँ के बस स्टेशन ऐसे होते हैं छोटे छोटे, पूरे खुले में होते हैं, लोगों को खुले में खड़ा रहना पड़ता है बस का इंतजार करने के लिए। आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम बिल्डिंग्स है जो पिलर पे खड़ी होती है। पिलर पे खड़ी इसलिए होती है 100 से 200 मीटर तक की जो सॉइल के अंदर लेयर है वो केवल आइस से बनी है, पूरा फ्रोजन है, पूरा बर्फ है धरती के अंदर, इसलिए ये यहाँ पे ऐसे पिलर पे बिल्डिंग्स बनाई जाती है, क्योंकि अंदर कभी भी आइस स्लाइड हो सकता है तो बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँच सकता है। और यहाँ पे जो पाइपलाइन है वो भी है जो बाहर ही होती है, धरती के अंदर नहीं होती, क्योंकि धरती के अंदर सस्टेन करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो सारी की सारी जो ऑयल पाइपलाइन गैस पाइपलाइन है वो आप लोगों को धरती के ऊपर मिलेगी, इसको बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट का मतलब होता है परमानेंट फ्रोस्ट, जो अंदर की धरती है ना वो परमानेंट फ्रोस्ट हो रखी है। जो परमाफ्रोस्ट होता है एक तरह से ये मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे यदि 2 साल तक कोई भी चीज़ जमी रहती है धरती के अंदर उसको बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। तो धरती के अंदर यहाँ पे तो 2 साल के, यहाँ पे तो कई सालों से है ना अंदर धरती जमी हुई है, पूरा आइस आइस है, पूरा बर्फ धरती के अंदर। अब आप लोग सोचो यहाँ पे किसी भी पाइपलाइन का अंदर सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सभी बस स्टैंड पे अंदर हीटर रूम होता है, यदि किसी बंदे को कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है आइस से, स्नो से या विंटर से, तो वो यहाँ पे हीटर रूम में जाके अंदर हीट ले सकता है। एक बार आपको अंदर चल के हीटर रूम के भी दर्शन करवाई देता हूँ। 2 गेट होते हैं हीटर रूम में, वैसे यहाँ पे हीटर रूम बने होते हैं, आप लोग यहाँ पे हीट ले सकते हैं। अंदर आने के बाद बहुत राहत मिलता है, जिसने लेयर पहन रखी है। एक हीटर रूम में अंदर आके खोल पा रहा हूँ, बाहर खोल दूँ तो मेरी 2 मिनट में जम जाए। 2, 1 ये इनर है 3, 1 ये 4 और 1 इसके नीचे 5, मैंने टोटल मिला के 5 लेयर पहन रखी है, तब जाके यहाँ पे सर्दी से प्रोटेक्शन पूरी तरह से नहीं मिल रहा। कभी यहाँ से सर्दी पार हवा पार हो रहा है, कभी यहाँ से हवा पार हो रहा है, कभी यहाँ से हवा पार हो जाता है। ये सामने यहाँ का कोई रिवर है गाइस, पूरा रिवर एकदम फ्रीज हो गया, पूरे रिवर में आपको स्नो देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं। ये गाड़ियाँ मैं आप लोगों को पहले दिखा चुका है, जिन गाड़ियों पे कवर होता है उनको हीट मिलती रहती है और जिन गाड़ियों पे कवर नहीं होता है
वो यहाँ पे देखो ऐसे स्टार्ट करके रखते हैं। गाड़ियों के अंदर आप लोगों को कोई नहीं मिलेगा। ये पाइपलाइन आप लोगों को सारी दिख रही है, ये है परमाफ्रोस्ट की वजह से। ये पाइपलाइन देखो, ये पाइपलाइन यदि यहाँ पे अंदर होगी तो अंदर ये सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसलिए यहाँ पे पाइपलाइन सारी की सारी आप लोगों को बाहर मिलेगी। एक भी पाइपलाइन धरती के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ये देखो पाइपलाइन पे पूरी आइस जमी है। यदि ये पाइपलाइन धरती के अंदर हो तो ये कुछ ही दिनों में डैमेज हो जाए। वापस से यहाँ पे एक ऐसे वार्म रूम में बैठे हैं, जहाँ पे बस स्टैंड पे यहाँ पे हर जगह आपको गर्म रूम मिल जाएंगे। यहाँ पे बाहर सर्वाइव करना काफी मुश्किल होता है, सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ से बस लेके हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे कोई फ्रोजन मार्केट है। आप लोगों को वहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे ये लोग फ्रोजन मीट, फ्रोजन फिश या जो भी है फ्रोजन चिकन यूज करते हैं। अभी गाइस यहाँ पे दोपहर के 2 बजे हैं और 2 बजे की विजिबिलिटी ऐसी है कि सारी गाड़ी वालों ने अपनी गाड़ी की लाइट जला ली है। विजिबिलिटी है जो कुछ ज्यादा है नहीं, मुश्किल से आपको 50 मीटर या 100 मीटर की विजिबिलिटी देखने को मिलेगी। ये देखो यहाँ पे भाई साहब जूते बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं। इन पे इतना स्नोफॉल हो रखा है भाई साहब, पूरे स्नो में हो रखे हैं। सभी के यही हालात होते हैं यहाँ पे। यहाँ के फ्रोजन मार्केट में आ गए हैं, यहाँ पे दिखाऊंगा यहाँ पे लोग कैसे चीजों को फ्रीज करके रखते हैं। यहाँ पे फ्रेश चीजें तो मिलना बहुत मुश्किल है। ये देखो आप लोगों को ये सारी फिश यहाँ पे फ्रीज मिलेगी, और यहाँ पे फ्रीज करने के लिए इन लोगों को रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही बाहर अपने आप फ्रीज हो जाती है। ये पूरा फ्रोजन मार्केट है, चारों तरफ आप लोगों को जो भी चीजें मिलेगी वो केवल फ्रीज मिलेगी। यहाँ पे देखो ये काट के रखी है, फ्रीज हो रखी है। ओ माय गॉड, क्या भाई ऐसा मार्केट तो मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा। ये पूरी की पूरी फ्रीज हो रखी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करके यहाँ पे लाते होंगे, ऐसा नहीं है। इनको सीधा ये लोग फिशिंग करने के बाद यहाँ पे लाते हैं। ये क्या है, रैबिट, ये क्या है, खरगोश रैबिट। अच्छा ये देखो खरगोश ही मिल जाएगा। मैं पहली बार ऐसा मंजर देख रहा हूँ मेरी लाइफ में। हाय, ये देखो ये आंटी कितने कपड़े पहन रखी है और कितना मोटा पहन रखा है इसने सिर पे। ये क्या है भाई, ये बतख है या बुगला है, जो भी जानवर है इसको यहाँ पे फ्रीज करके रखा है, अपने आप फ्रीज हो रखा है। अब यहाँ पे ले जाएंगे, इनको गर्म करेंगे, पहले गर्म पानी में भिगोएंगे, गर्म पानी में भिगोने के बाद फिर इनको पकाने के काम लेंगे। कितनी बड़ी बड़ी इन लोगों ने पीसेस काट के रखे। सिप मीट है या कैमल मीट है, घोड़े का मीट है, मुझे नहीं पता यार, घोड़े का मीट लग रहा है शायद से ये। अब ये इन लोगों को ऐसी बड़ी बड़ी पीसेज ले जाते हैं यहाँ से और घर ले जाके गर्म पानी में भिगोएंगे, पहले गर्म पानी में उबालेंगे और फिर कुक करके खाते हैं इनको। अब तो मेरे हाथ ग्लव्स में भी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे इतने सिकुड़ गए मेरे हाथ ग्लव्स में। यहाँ पे यार ये लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे, इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई। जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है। ये देखो पूरी फिश जमी हुई है, जैसे ये लोग वहाँ से फिशिंग करके लाते हैं सीधा मार्केट में लेके आते हैं, और यहाँ पे इन लोगों को रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको फ्रीज करने के लिए, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर है वो है अराउंड -46 अभी, और जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है, उसका टेम्परेचर होता है अराउंड -20 के लगभग एवरेज। तो यहाँ का जो अभी टेम्परेचर है वो है रेफ्रिजरेटर से भी डबल से भी ज़्यादा माइनस में, तो इन लोगों को रेफ्रिजरेटर का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ये देखो ये जो मेरे हाथ में है ये पूरी जमी हुई है। तो फिश बिरा के बताता हूँ, ये देखो 70 की तरह बज रहा है। आप लोग किसी के सिर में मार दो ना तो बंदे की मौत हो जाए। गुड गुड गुड, तन में तुम्हारी सर में मार के देखूं क्या एक बार? नहीं भाई, जमी है नहीं जमी, वीडियो के चक्कर में अपना सर पे तो मैंने, ए उमा है, उमा के साथ कर लो, उमा के साथ कर लो। जमी है, इट्स वेरी हार्ड भाई, कितना जमा, पत्थर की तरह बज रहा है। ये देखो खरगोश, अभी आप लोगों को दिखाई थी फिश, और ये देखो खरगोश पूरा जमा हुआ है। ये खरगोश की आंखें दिख रही होंगी। तन में खाना है क्या खरगोश? चलो लेके चलते आज इसका बनाते आराम से। बड़े कितना ही कर लो, टांग टूट गई है इसका, वो अंकल मारेंगे मेरे को। अंकल को पता नहीं है कि टूट दिया इसने, अंकल को पता चल जाएगा तो अंकल मेरे से पैसे ले लेगा इसके।
भाई सर्दी, मेरे हाथ ना देखो बिल्कुल फ्रीज हो गए हाथ इनको दिखाने के चक्कर में। लेकिन मार्केट सही बता रहा हूँ, मैंने मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा मार्केट देखा भाई। क्या क्या चीजें यहाँ पे फ्रीज मिल जाएगी आप लोगों को, फिंगर आ गया, चीजें ऐसी ऐसी चीजें फ्रीज करके रखती है इन लोगों ने। ये देखो यहाँ पे इन्होंने किसी बड़े बहुत बड़े जानवर को काट के रखा है, शायद मुझे लग रहा है घोड़े का मीट है, घोड़े का लग रहा है मुझे। ये किसी बहुत बड़े जानवर का पूरा लीवर रखा है यहाँ पे, पूरा लीवर एकदम जमा हुआ है भाई। घोड़े के पैर ये जानवर की पूंछ है, तो ये भाई साहब ने इसको ऐसे साफ करने के लिए यूज लेते हैं ऐसे। ओ ये देखो लीवर यहाँ पे फोट फोट, घोड़े का लीवर है, घोड़े का लीवर है। ये देखो एक आरी होती है यहाँ पे किसी भी जानवर को काटने के लिए, अपन लकड़ी काटने के लिए यूज लेते हैं आरी को, ये लोग जानवर को काटने के लिए सर्दियों में आरी यूज करते हैं भाई। ये मार्केट तो भाई बिल्कुल ही अलग यूनिक मार्केट है, ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे लकड़ी काट रहे हैं। यहाँ पे शाम के 3:30 बजे पूरा सनसेट हो गया, अंधेरा हो गया है, छोटा सा दिन होता है यहाँ पे। मुश्किल से लोगों को 4-5 घंटे मिलते हैं अपना काम निपटाने के लिए। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग एक सुपरमार्केट में, हमें यहाँ से परचेज करना है थोड़ा बहुत सामान। ये भी एक अलग ही दुनिया है यार, इन लोगों को काम धाम करने के लिए कितना कम टाइम मिलता है, सारे दिन है जो अपने कपड़ों में घुसे रहो बस। यहाँ पे अभी इस डिपार्टमेंटल स्टोर से हम लोगों ने कुछ सामान परचेज किया है, बहुत महंगा यार। ये 2 किलो हम लोगों ने चिकन परचेज किया है, ये है 900 इंडियन रुपीज का। ये 5 प्याज हम लोगों ने खरीदे हैं, 5 प्याज हो गए लगभग 125 इंडियन रुपीज के। ये 5 एप्पल हम लोगों ने खरीदे हैं, ये है 200 इंडियन रुपीज के। 2 टमाटर हम लोगों ने खरीदा है, 2 टमाटर हो गए 100 इंडियन रुपीज के। काफी महंगा है आपको, यहाँ पे सारी चीजें बाहर से आती है तो महंगा होना तो लाजमी सा है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ रशिया के याकूत्स्क शहर में, जो दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट सिटी है। और एक और मैजिक दिखाता हूँ आप लोगों को, ये मीट के कुछ पीसेज लेके आया हूँ मैं, ये मीट है और इस मीट को हम लोग यहाँ पे चिपकाने वाले हैं। यहाँ पे मैं चिपका रहा हूँ इस मीट को, अब देखते हैं कुछ देर बाद हम लोग आएंगे, हम लोग इस मीट को उतार पाते हैं या नहीं पाते, क्योंकि ठंड इतना है ये इतना चिपक जाएगा। यदि ये मीट इतना चिपक जाएगा इसके, तो आप लोग सोचिए यहाँ पे लोगों के क्या हालात होंगे, यहाँ पे जो बाहर जो थिंग्स होती है उनके क्या हालात होंगे। तो आधे घंटे बाद वापस आएंगे और इसको हम लोग उतारने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या होता है। मैं सोच रहा था इसके चिपकने में ये काफ़ी टाइम लेगा, लेकिन मैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए घूम रहा था, 5 मिनट बाद वापस आके देखा तो बहुत टाइट हो गया। मुझे अभी भी ऐसे उम्मीद नहीं है कि ये मैं उतार पाऊँगा। ये देखो ये भाई इतना टाइट, इतना जोर लगाना पड़ा। ये देखो क्या हालत हो गई इसकी, अब इसको मार के बताता, मैं चिपका के गया था ना। ड्राई हो गया, इतने एक्सट्रीम वेदर में, इतने सीवियर वेदर में यहाँ के लोगों के लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल होगा। हम तो केवल यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं, विजिट करने आए हैं, 3-4-5 दिन हम लोग घूम के वापस हमने चल देंगे, लेकिन यहाँ पे लाइफ कितना टफ है याकूत्स्क, पूरे साइबेरिया रीजन में ही लाइफ बहुत टफ है। यहाँ के लोगों को दिन में मुश्किल से 3 से 4 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए, सुबह 10 बजे 11 बजे सनराइज होता है और शाम को 3 से 4 बजे यहाँ पे सनसेट हो जाता है। तो लाइफ सही में बहुत टफ है यहाँ की लाइफ। अभी मैं कुछ देर पहले यहाँ पे अंडा डाल के गया था आइस के अंदर, और अब अंडे को देखते हैं क्या हालात हो गए अंडे के। ये अंडा डाल के गया हूँ मैं यहाँ पे आइस में, पूरा जम गया, पूरा जम गया अंडा। तो एक बार इसको फोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, आओ चलो यहीं पे फोड़ते हैं भाई। पूरा हिल गया लेकिन अंडा नहीं फूट रहा है, मेरे हाथ कितनी जोर से लग रही है लेकिन इस अंडे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो आप लोग,
लेकिन आज मैं संडे को फोड़ के मानूंगा। यहाँ पे पूरा आइस जम गया। थोड़ा सा दरार पड़ा है इसमें केवल। चलो वहां पे चलते हैं दीवार के पास में। पूजा भाई ये देखो कुछ असर नहीं हुआ इसको। इधर हम दीवार को मार के देखते हैं। ये लास्ट ट्राई है मेरा। फाइनली दीवार के मारा तब जाके अंडा फूटा है। ये देखो पूरा अंदर का पार्ट कैसे जमा है। देखिए अंदर का इतनी ठंड है ऐसे जम जाता है, पूरा आइस जम जाता है अंदर अंडे के। अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। पहले तो ये वीडियो देखो, कल हम लोग सामान लेके आए थे, फिर हम लोगों ने बाहर रखा विंडो में, तो वो केला और सेब दोनों के दोनों जम गए। आप लोगों को उसमें मेरा जो बियर्ड है वो बड़ा लगेगा, लेकिन वो कल हम लोग लेके आए थे और अभी मैंने सुबह बियर्ड कट किया है, तो चलो एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। हम लोगों ने अभी यहाँ के सुपरमार्केट से काफी सारा सामान परचेज कर लिया है। इनमें से कुछ तो खाने के लिए है और कुछ है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए। हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ की दुनिया की कोल्डेस्ट सिटी में। तो आप लोगों को मैं सामान दिखा रहा था वहाँ पे बाहर मार्केट में खड़ा खड़ा, वो सामान ये है देखो, ये बनाना है और ये है। तो हम लोग करने वाले हैं कल कुछ एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे टेम्परेचर -45 से -50 के बीच में जाता है, मतलब ये मान के चलो कि -45 से -50 के बीच में रहता है। तो अभी हम लोग इनको रख रहे हैं बाहर ठंड में। ये तान्या हमारी होस्ट है, आप लोगों को शायद पिछले वीडियो में मिलाया होगा, नहीं मिलाया हो तो एक बार और बता देता हूँ। तान्या अभी हम लोग हैं याकूत्सक सिटी में, दुनिया की कोल्डेस्ट सिटी में, और ये हमारी होस्ट है, ये इनकी बेटी है। हाय 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 से हाय तो इनको बाहर रखते हैं और फिर सुबह मिलते हैं आप लोगों से। तान्या ने यहाँ पे रख दिया, ये देखो भाई बहुत जबरदस्त यहाँ से ठंड आ रही है। यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया बनाना एप्पल, तो सुबह मिलते हैं आप लोगों से। ये एप्पल और ये बनाना एकदम जम गया है जबरदस्त वाला। ये एप्पल हो गया जबरदस्त वाला जम गया। और यहाँ पे पता है ये लोग ना वो यूज नहीं करते हैं, फ्रीजर यूज नहीं करते हैं। ये देखो यहाँ पे चिकन कोई कुछ भी सामान होता है ना उसको बाहर डाल देते हैं। तुम आप लोगों को वो देखो उसमें चिकन है, मैं एक बार बाहर निकाल के बताता हूँ। ये देखो मीट है, ये फ्रीजर का जरूरत नहीं पड़ता इनको, घोड़े का मीट है। तो ये बस बाहर यहाँ पे विंडो में रख देते हैं, पत्थर की तरह बन गया देखो, इतना जम गया। अब इसको गर्म पानी में डालना पड़ेगा, गर्म पानी में डाल के पहले गलाना पड़ेगा, उसके बाद कुक करते हैं। तो फ्रीजर का इन लोगों को जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ये देखो ये भी यहाँ पे मीट रखा है इन लोगों ने विंडो में, तो ये भी एकदम जमा हुआ है बहुत सारी चीजें। ये देखो यहाँ पे फिश रखी है, ये देखो फिश भी ऐसे ही रखते हैं ये लोग, बस यहाँ पे विंडो में रख देते हैं और ऐसा कुछ हाल है। चलो अब एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो ये एक ले लिया बनाना, हाथ में पकड़ना ही मुश्किल हो रहा है। ये एक ले लिया एप्पल और अब ये एक ले लिया कील, ये ले लिया लकड़ी और अब मैं आपको ठोक के बताता हूं। बनाना है ये देखो, इससे भी आप लोग ठोक के नाइस कील को गाड़ सकते हो। अब ट्राई करते हैं एप्पल से। कहां से काटा था, इतना ठोकने के बाद एप्पल पे इतना सा असर पड़ा है ये देखो। और ये कील पूरा का पूरा गया अंदर भाई साहब, इतना फ्रीज हो जाता है ये, है ना जबरदस्त। निकल नहीं रहा भाई। ये है यहाँ का एक्सट्रीम वेदर, -45 -46। आप लोग बाहर रख दो, इतना फ्रीज हो जाएगा आप लोग इससे कील ठोक लो, कहीं भी आप लोग दीवार में भी कील ठोकनी है तो आप लोग दीवार में भी कील ठोक सकते हो इससे।
एप्पल से और बनाना से। अब ये एप्पल और बनाना मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूंगा और फिर गर्म करने के बाद मैं तन्ने ने बोला था कि इसको फेंकना नहीं है, मैं खाने के काम लूंगा, खाएगा ना गर्म गर्म करके देता हूँ। सो गाइस ये था इस वीडियो के बारे में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिखाए आप लोगों को हमने, आप लोगों को दिखाया कि कैसे यहाँ पे इतने एक्सट्रीम वेदर में लोग रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, काफी कुछ देखने को मिला यार। सही में ये अलग ही एक्सपीरियंस था यहाँ पे लोगों की लाइफ स्टाइल देखना। बाहर जाओगे ना ऐसे चलते हैं जैसे वो स्टेचू चल रहे हैं, सारे के सारे लोग एकदम कपड़ों में लिपटे हुए रहते हैं और चारों तरफ बस आपको आइस स्नो दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। गाड़ी है जो जमी हुई है, जो बिल्डिंग्स है वो भी सारी जमी हुई है, बर्फ की चादर जमी हुई है उनपे। अलग ही लाइफ स्टाइल दिया इन लोगों की और ये जगह भी अलग ही है। तो ये था इस वीडियो के बारे में, आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।